बेटा देखो, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा रही थी मैं आपको, ठीक है। ह्यूमन आई के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको कॉर्निया, आयरिस, लेंस, सेरा, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट इन सब के बारे में बताया था। मैंने आपको ह्यूमन आई की वर्किंग बताई थी कि हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, ठीक है। हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन बता रही थी। डिफेक्ट्स ऑफ विजन के अंदर मैंने आपको सबसे पहले मायोपिया बताया था। मायोपिया क्या बताया था मैंने आपको, जब हम क्या नहीं देख सकते हैं, पास की चीज तो देख सकते हैं, दूर की नहीं देख सकते, ठीक है। जब हम पास का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते, वो हमारा क्या होता है, मायोपिया होता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, मायोपिया होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा आता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है हमारा, हाइपरमेट्रोपिया देख सकते हैं, पास का नहीं देख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। इसे लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। देखो, उसे शॉर्ट साइटेडनेस बोला था ना मायोपिया को, तो उसे शॉर्ट साइटेडनेस क्यों बोला था, जब हम पास का देख सकते हैं, ठीक है, जब हम छोटा देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते, वो हमारा क्या था, मायोपिया था, ठीक है। जब हम दूर का देख सकते हैं, पास का नहीं देख सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया इज कॉज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है। जो हाइपरमेट्रोपिया होता है वो किसकी वजह से होता है, सिलियरी मसल्स की इनएबिलिटी की वजह से होता है, टू रिलैक्स कंप्लीटली सो दैट द इमेज इज फोकस्ड बाय द लेंस अवे फ्रॉम रेटिना, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, सिलियरी मसल्स की इनएबिलिटी की वजह से होता है, कि वो कंप्लीटली रिलैक्स हो जाती है, ताकि जो इमेज जो फोकस होती है लेंस से, वो रेटिना से कहाँ हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है। देखो किस तरह से, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज रेटिना पे ना बन के मायोपिया में क्या हो रहा था, रेटिना से आगे बन, मायोपिया एक होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या होता है, जब हमें दूर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है, पास का देख सकते हैं, दूर का दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं मायोपिया को। और जो मायोपिया में हमारी इमेज होती है, वो रेटिना से आगे बनती है। और इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, इस डिफेक्ट को करा जाता है कनकेव लेंस लगा के, ठीक है। इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं हम कनकेव लेंस को लगा के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया भी हमारा डिफेक्ट होता है, जब हम क्या नहीं देख सकते हैं, पास की ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। जब हम पास की ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है। और ये क्या कहलाती है, हमारी लॉन्ग साइटेडनेस भी कहलाती है, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती है, लॉन्ग साइटेडनेस हमारे पास स्कैटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा हमारे पास, स्कैटर, ठीक है। एक पर्सन जिसे जो कैटरेक्ट से सफर कर रहा है, उसका क्या होता है, ब्लर या डिम्ड विजन हो जाता है, यानी कि उसे धुंधला दिखाई देने लगता है, वो जो बीमारी होती है वो कैटरेक्ट कहलाती है। और हाँ देखो, मायोपिया जो होता है वो मतलब हमारी कौन सी एज में होता है, जैसे जो हमारी एज होती है, जो बच्चों की एज होती है, जैसे आपका ये समझ लो 12 टू जैसे आपका 20-30 तक जो आपकी एज होती है, उसमें मायोपिया होता है। और जब थोड़ी एज बढ़ने लग जाती है 35 के अप्रोक्स, तो हमें पास का दिखना थोड़ा कम हो जाता है, तो वो हमारा उस टाइम पे हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और जो हमारा कैटरेक्ट होता है, जब हमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है, तो वो हमारा कैटरेक्ट होता है। और जो कैटरेक्ट होता है वो कॉमन होता है हमारा किसमें, ओल्ड एज में, ठीक है। कैटरेक्ट हमारा कॉमन होता है किसके अंदर, ओल्ड एज के अंदर। कैटरेक्ट इज ड्यू टू द ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ आई फ्लूइड ऑन द लेंस। कैटरेक्ट जो होता है वो किसकी वजह से हो जाता है,
आई फ्लूड जो है वो डिपोजिट होने लग जाता है किसके ऊपर, लेंस के ऊपर, ठीक है, एंड द लेंस बिकम्स क्लाउडी, और जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, मतलब बादल बादल जैसे छा जाते हैं ना, इस तरह से हो जाता है. कैटरेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय लेजर और सर्जिकल ऑपरेशन. जो कैटरेक्ट होता है उसे हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैटरेक्ट को सही कर सकते हैं किससे, या तो लेजर करा के या फिर सर्जिकल ऑपरेशंस करा के, ठीक है. आजकल इवन द लेंस ऑफ आईज कैन बी रिप्लेस्ड कंप्लीटली बाय एन आर्टिफिशियल लेंस. आजकल तो ऐसी भी टेक्निक्स हैं जिसमें आई का जो हमारा लेंस होता है उसे हम कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आर्टिफिशियल लेंस से, ठीक है. हाँ उमंग बोलो, अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, बोलो उमंग. बोलो उमंग बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा. चलिए देखिए फिर आगे. मैंने आपको तीन डिफेक्ट्स बताए, मायोपिया बताया, हाइपरमेट्रोपिया बताया और कैटारेक्ट बताया, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास आई केयर, आंखों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, ठीक है. आई इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट्स ऑफ गॉड टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है. आंख जो है वो सबसे कीमती जो हमें भगवान ने दिया है, ठीक है, हमारे पास एक तोहफा है. इट इज नेसेसरी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आईज, इसीलिए हमें जरूरत है कि हम क्या करें, आईज की प्रॉपर केयर करें, ठीक है. नेचर हैज प्रोवाइडेड आईलिड्स टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स. नेचर ने हमें क्या प्रोवाइड करी है, आईलिड्स प्रोवाइड करी है किसके लिए, आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. हमारे पास ऊपर हमारी पलके होती है ना, ताकि आईज हमारी डस्ट पार्टिकल से क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, ब्राइट सनलाइट से, यानी कि सनलाइट वरना एकदम से बहुत सारी एंटर कर जाएगी हमारी आंखों के अंदर, या कोई भी हार्मफुल थिंग, ठीक है, उससे हमारी आईज क्या रहे, हमारी प्रोटेक्ट रहे, ठीक है. आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट वेन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है. आईलिड्स जो होती है उनसे लाइट हमारी शट आउट भी हो जाती है जब जरूरत नहीं होती है, ठीक है. To keep our eyes healthy and maintain their proper functioning, following instructions should be followed. ठीक है, eyes को healthy रखने के लिए और उनकी proper functioning को maintain करने के लिए हमें following instructions को follow करना है, ठीक है. सबसे पहला क्या आता है, हमारा nutrition, ठीक है. सबसे पहला जो हमारा method है वो क्या है, हमारा nutrition है, ठीक है. देखो खाना एक important role play करता है हमारी eyes को healthy रखने में, ठीक है. देखो खाने के अंदर भी क्या क्या है, सबसे पहला हमारा विटामिन ए, विटामिन ए से हमारी देखने की जो वो होती है वो इम्प्रूव होती है, हमें मतलब हमारी जो दृष्टि शक्ति है वो इम्प्रूव होती है विटामिन ए से. विटामिन ए के अंदर देखो क्या क्या आते हैं, आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, हरी सब्जियां हो गई, आपकी ब्रोकोली हो गई, एग्स हो गए, चीज हो गया, बटर हो गया, कैरेट्स हो गए, ये सब क्या है आपके विटामिन ए के रिच सोर्सेज है, ठीक है. ये सब क्या है आपके विटामिन ए के रिच सोर्सेज हैं, ठीक है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है. विटामिन ए की कमी से एक डिजीज हो जाती है और वो डिजीज क्या कहलाती है, आपकी नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है, ठीक है. वो डिजीज क्या कहलाती है, आपकी नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है, ठीक है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिंस व्हिच कीप्स आवर आईज हेल्दी, ठीक है. जो हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन, विटामिन्स का एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराता है जिससे हमारी जो आईज होती हैं वो क्या रहती हैं, हेल्दी रहती हैं, ठीक है. फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग एज रिलेटेड डिजनरेशन ऑफ आईज, ठीक है. जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, वो भी हमारी हेल्प करती हैं प्रिवेंट करने में एज रिलेटेड डिजनरेशन ऑफ आईज, ठीक है. जो एज के साथ साथ आंखें खराब होती हैं उनको बचाने में, ठीक है. कैरोटीन्स प्रेजेंट इन कलर्ड फ्रूट्स, जो हमारे कैरोटीन्स कलर्ड फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वेजिटेबल्स के अंदर,
जैसे कैरेट के अंदर, पपाया के अंदर, ये भी हमारी आंखों के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या लेना है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हमारे कैरोटीन्स, ये सारी हमारी आंखों के लिए, ये सारा जो खाना है ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लीनलीनेस, साफ कैसे रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें अपने आईज को फ्रेश और क्लीन वाटर से डेली वॉश करना चाहिए, ठीक है। हमें आईज को फ्रेश और क्लीन वाटर से डेली क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, ठीक है। इन केस ए डस्ट पार्टिकल और एनी अदर फॉरेन थिंग एंटर्स इनटू द आईज, नेवर रब द आईज, ठीक है। अगर एक डस्ट पार्टिकल या कोई बाहर की चीज आपकी आंख के अंदर, मान लो अगर चली भी जाती है, कोई कंकर वगैरह, कोई धूल वगैरह अगर आपकी आंख के अंदर चली जाती है, तो आंख को कभी भी क्या नहीं करना है, रब नहीं करना, ठीक है। आंख को कभी भी क्या नहीं करना है, मसलना नहीं है। फ्लैश विद लोट ऑफ क्लीन एंड फ्रेश वॉटर, हमें क्या करना है, क्लीन और फ्लैश वॉटर, फ्रेश वॉटर से धोना है, ताकि पार्टिकल्स को क्या कर सके, वॉश कर सके, ठीक है। ताकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या हो सके, वॉश हो सके, ठीक है। सी हमारे पास आता है रीडिंग हैबिट्स, ठीक है। सी क्या आता है हमारे पास, रीडिंग हैबिट्स। इसके अंदर क्या होता है, देखो बेटा, ऑलवेज कीप योर बुक्स और नोटबुक्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आईज, ठीक है। हमेशा क्या करना है, बुक्स या नोटबुक्स को 25 सेंटीमीटर को रखना ही अपने आईज से, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, तो आपकी जो बुक्स या नोटबुक्स की जो डिस्टेंस है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, आपसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए, ठीक है। डू नॉट लाई इन द बेड वाइल रीडिंग, ठीक है। लेटो मत, अगर पढ़ रहे हो तो लेट के मत पढ़ो। योर आई शुड नॉट बी एन एक्यूट एंगल टू द बुक, उस टाइम पे जो तुम्हारी आईज है वो एक्यूट एंगल पे नहीं होंगी बुक से, ठीक है। डू नॉट रीड और राइट इन टू डिम और टू ब्राइट लाइट, ठीक है। कभी भी लिखो या पढ़ो मत जब लाइट बहुत ज्यादा डिम या बहुत ज्यादा तेज हो, ठीक है। डिम या ब्राइट लाइट की वजह से क्या होता है, सिर में दर्द होता है, ठीक है, स्ट्रेन पड़ता है आंखों के ऊपर, और क्या होता है, हेडेक होता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर आईज, एक्सेस में अगर स्ट्रेन या स्ट्रेस हो रहा है तो वो आईज के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। डू नॉट वॉच टेलीविजन और वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। लंबे टाइम तक ना ही टेलीविजन देखना चाहिए और ना ही क्या करना चाहिए, कंप्यूटर पे काम करना चाहिए, ठीक है। वियर सनग्लासेस व्हाइल गोइंग इन ब्राइट सनलाइट, ठीक है। सनग्लासेस को पहनना चाहिए जब हम कहाँ निकल रहे हैं, ब्राइट मतलब सनलाइट में निकल रहे हैं, ठीक है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन और लेजर लाइट कैन इंजर द रेटिना, क्या कहा मैंने आपको कि जब हम ब्राइट सनलाइट में निकल रहे हैं, ठीक है, जब तेज धूप है तो हमें क्या पहन लेने चाहिए, सनग्लासेस पहन लेने चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा लाइट से क्या होता है, जैसे सन की लाइट से या लेजर लाइट से, वो हमारे रेटिना को भी क्या कर सकते हैं, इंजर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहली बात, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपकी नोटबुक या बुक जो है वो क्या रहनी चाहिए, आपसे डिस्टेंस पे रहनी चाहिए, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी लेट के मत पढ़ो, क्योंकि उससे आईज का एक्यूट एंगल नहीं बन पाएगा बुक के साथ, ठीक है। कभी भी डिम या बहुत ब्राइट लाइट में मत पढ़ो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके सर में दर्द होगा, ठीक है, प्रेशर पड़ेगा माइंड पे, ठीक है। एक्सेस ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर आईज, ठीक है। एक्सेस में अगर स्ट्रेन या स्ट्रेस हो रहा है तो वो भी आईज के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। डू नॉट वॉच टेलीविजन और वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। हमें लंबे टाइम तक ना ही टेलीविजन देखना चाहिए और ना ही क्या करना चाहिए, कंप्यूटर के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। वियर सनग्लासेस व्हाइल गोइंग इन ब्राइट सनलाइट, हमें सनग्लासेस पहनने चाहिए जब हम कब निकल रहे हैं, ब्राइट सनलाइट में निकल रहे हैं, ठीक है। Too much light like that of sun or a laser light can injure the retina. बहुत ज्यादा light अगर होगी तो उससे retina भी क्या हो सकता है, हमारा injure हो सकता है, ठीक है, खराब हो सकता है। उसके बाद देखो बेटा, regular medical checkup, ठीक है। जो eyes के doctor है उनके पास हर कम से कम 6 महीने में तो जाना ही चाहिए, और हमें वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए जो हमें कौन दे रहे हैं, डॉक्टर्स दे रहे हैं, ठीक है। आईज के डॉक्टर के पास आफ्टर एवरी 6 मंथ्स हमें विजिट करना चाहिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए जो वो दे रहे हैं, ठीक है। अगर तुम स्पेक्स यूज कर रहे हो तो हमें लेंस का जो नंबर है या स्पेक्स का जो नंबर है वो हमें क्या करना चाहिए, चेक कराना चाहिए रेगुलर, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर स्पेक्टेकल्स फ्रॉम एनी स्क्रैच लूजनिंग, हमें अपने स्पेक्स की केयर करनी चाहिए कि उस पे कहीं स्क्रैच ना आए या वो लूज ना हो, ठीक है।
regular exercise of eyes are prescribed by physician also helps in keeping our eye muscles healthy. ठीक है, अगर हम आईज की रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं जो फिजिशियन प्रेस्क्राइब करते हैं, उससे भी हमारी जो आई की मसल्स होती है वो क्या रहती हैं, हेल्दी रहती है. ठीक है, उससे भी हमारी आई की मसल्स क्या रहती है बेटा, हेल्दी रहती है. ठीक है, तो ये सब मैंने आपको किसके अंदर बताया, ये सब मैंने आपको बताया आई केयर के अंदर. ठीक है, आंखों का ख्याल कैसे रखते हैं. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा. No, ma'am. किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा. No, ma'am. चलिए फिर मैं पूछती हूँ आपसे. चलो अनम्यूट करो धीरज. धीरज अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. हाँ धीरज, हाँ बोलो बेटा. चलो हाइपरमेट्रोपिया बताओ. स्टार्टिंग में सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया बताया मैंने आपको, क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया. बताओ बेटा हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है. खुशबू. यस मैम. हाँ बताओ खुशबू, हाइपरमेट्रोपिया क्या है. मैम हाइपरमेट्रोपिया में हमें पांच का दिखना थोड़ा कम हो जाता है, और मैम वो 35 एज से ऊपर से होता है. और मैम जो है फिर इसमें हम स्पेक्स वगैरह लगाते हैं तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है. हाँ उसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस. वेरी गुड बेटा. चलो श्वेता. हाँ बेटा चलो बताओ कैटरेक्ट क्या होता है. कैटरेक्ट क्या होता है बेटा. बताओ बेटा. श्वेता अनम्यूट करो अपने आप को. गोरी बताएगी. चलो बताओ गोरी. मैम जो कैटरेक्ट है उसमें ना धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है, और ये ओल्ड एज में होता है, और इसमें तब देखते हैं तब बादल छा जाते हैं, और इसको सर्जरी वगैरह से हम ठीक भी करवा सकते हैं. हाँ वेरी गुड. चलिए उमंग अनम्यूट करो. उमंग अनम्यूट करो बेटा. उमंग उमंग अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. चलिए देखिए उससे आगे क्या है हमारे पास. आईज ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की आईज. ठीक है देखो आई शेप्स एंड विजन एबिलिटीज इन एनिमल्स वेरीज ग्रेटली एंड आर स्पेसिफिक टू सूट देयर रिक्वायरमेंट्स एंड लाइफस्टाइल. ठीक है, आई शेप्स और जो विजन होता है दृश्य मतलब देखने की जो शक्ति होती है एनिमल्स के अंदर,
वो क्या होती रहती है, ग्रेटली चेंज होती रहती है और स्पेसिफिक होती है ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनके लाइफस्टाइल को सूट करे वो। ठीक है, स्पेशल फीचर्स अबाउट द आईज ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, स्पेशल फीचर्स आईज के बारे में हमें नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले क्या बताया, जो आई शेप्स होती है और विजन एबिलिटीज जो होती है एनिमल्स के अंदर वो क्या होती है, चेंज होती है ग्रेटली और वो स्पेसिफिक होती है ताकि वो उनकी किसे सूट करे, रिक्वायरमेंट्स को सूट करे। ठीक है, और लाइफस्टाइल को सूट करे उनके। कुछ जो फीचर्स हैं कुछ एनिमल्स की आईज के बारे में वो देखो क्या क्या है। सबसे पहले आईज ऑफ बटरफ्लाईज, ड्रैगन फ्लाईज, कॉकरोचेस एटसेट्रा आर कॉल्ड कंपाउंड आईज। ठीक है, देखो क्या बोल क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि बटरफ्लाईज की आईज, ड्रैगन फ्लाईज की आईज, कॉकरोचेस की आईज, ये सब क्या कहलाती है आपकी, कंपाउंड आईज कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे लेंसेज, हजारों छोटे छोटे लेंसेज की बनी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड देखो क्या होता है, हमारा कंपाउंड कैसे बनता है, जब क्या जुड़ते हैं उसके अंदर, क्या जुड़ते हैं बेटा, कंपाउंड कैसे बनता है, जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो के अंदर तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। उसी तरह से जब हजारों छोटे छोटे लेंसेस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड आईज कहलाती हैं। ठीक है, तो यानी कि किसकी बनी होती है, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल लेंसेस की बनी हुई होती है। ठीक है, जो हमारी कंपाउंड आईज होती है ये किसकी बनी हुई होती है, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल लेंसेस की बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा आपका, एंड ईगल्स आईज अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स बिगर इन साइज देन ह्यूमन आई। ठीक है, जो एक ईगल की आई होती है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है आपकी, 40 टाइम्स बिगर होती है साइज में। ठीक है, वो आपकी क्या होती है, 40 टाइम्स लंबी होती है किससे, ह्यूमन आई से। ठीक है, इट्स एबिलिटी टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज अबाउट 2 or 3.5 बेटर देन ह्यूमन आईज। ये दूर की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसे 2 गुना या 3.5 गुना ज्यादा अच्छे से देख पाती है, ह्यूमन बींग से 2 गुना या 3.5 गुना ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, ए फाल्कन कैन सी ए स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। ठीक है, एक जो फाल्कन होता है वो क्या कर सकता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देख सकता है डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर पे। ठीक है, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है वो, उतनी डिस्टेंस पे भी देखो हम देख सकते हैं, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो एक फाल्कन होता है वो एक छोटे ऑब्जेक्ट को 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी क्या कर लेता है, देख लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को भी देख लेता है। ठीक है, आईज ऑफ ए क्रैब आर क्वाइट स्मॉल बट दे इनेबल द क्रैब टू सी ऑल अराउंड। ठीक है, जो आईज होती है क्रैब की वो क्वाइट स्मॉल होती है, छोटी होती है, लेकिन वो इनेबल करती है क्रैब को चारों तरफ देखने के लिए। ठीक है, एक जो क्रैब होता है उसकी आईज छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उसकी वजह से वो क्या कर सकता है, चारों तरफ देख सकता है। ठीक है, एक चैमेलियन होता है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, तो इसीलिए वो डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम टाइम के ऊपर देख सकता है। देखो कितनी अलग बात है कि दो डायरेक्शंस में एक ही टाइम के ऊपर देखना। ठीक है, आईज ऑफ फिशेज आर डिजाइन टू सी अंडर वॉटर। जो फिशेज की आईज होती है उन्हें भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हम उन्हें कहाँ देख सकते हैं, पानी के नीचे देख सकते हैं। ठीक है, जो फिशेस की आईज होती हैं वो भी इस तरह से डिजाइन होती है कि उन्हें कहाँ देखा जा सकता है, पानी के अंदर देखा जा सकता है। ठीक है, दे रिमेन ओपन ऑल द टाइम एंड डू नॉट अवॉइडेड। ये क्या रहते हैं आपके, सारे टाइम खुले हुए रहते हैं और क्या नहीं होती इनके पास, आईलिड्स नहीं होती। ठीक है, ये क्या रहते हैं आपके, सारे टाइम खुले हुए रहते हैं और क्या नहीं होती इनके पास, आईलिड्स नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, नाइट बर्ड्स कैन सी वेरी वेल इन द नाइट। जो नाइट बर्ड्स होते हैं वो अच्छे से रात में देख सकते हैं लेकिन दिन में नहीं देख सकते वो। ठीक है, जैसे आपका आउल है, ठीक है, उसका क्या होता है, लार्ज कॉर्निया होता है और एक लार्ज पिपल होता है टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर इन इट्स आईज। ठीक है, जिससे बहुत सारी लाइट क्या कर सकती है, उनकी आंखों में एंटर कर सकती है। ठीक है, जो आपकी नाइट बर्ड्स होती है वो भी क्या कर सकती है, नाइट में अच्छे से देख सकती हैं लेकिन दिन में नहीं देख पाती। ठीक है,
नॉक्टर्नल एनिमल्स जो होते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ रोड और कुछ कॉर्न्स होती हैं, लेकिन जो आपके डाइयूर्नल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कॉर्न्स ज्यादा होती हैं और रोड्स क्या होती हैं आपकी कम होती हैं, ठीक है। कॉर्न्स ज्यादा होते हैं और रोड्स क्या होती है आपकी कम होती है, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, आईज ऑफ अदर एनिमल्स के बारे में बताया कि जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी आईज किस किस तरीके की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बटरफ्लाईज, ड्रैगन फ्लाईज, कॉकरोचेस के बारे में बताया, उनकी कंपाउंड आईज होती है। कंपाउंड आईज का क्या मतलब हो जाता है बेटा, कि जहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, जो हमारी आईज होती है वो थाउजेंड नंबर ऑफ लेंसेस से मिलके बनी होती है, ठीक है। आपके ईगल की आईज होती है वो भी अप्रोक्सीमेटली क्या होती है आपकी 40 टाइम्स बिगर होती है ह्यूमन आईज से, ठीक है। जो एक क्रैब की आईज होती है वो आपकी क्या होती है, स्मॉल होती है, लेकिन वो इनेबल करती है क्रैब को चारों तरफ देखने के लिए, ठीक है। एक जो हमारे शैमलन होता है उसकी जो आईज होती है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती है, इसीलिए वो भी दो डिफरेंट डायरेक्शन में देख सकते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। जो फिशेस की आईज होती हैं वो भी डिजाइन होती हैं वाटर के अंदर देखने के लिए, ठीक है। वो क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं ऑल द टाइम, और क्या नहीं होती उनकी आईलिड्स नहीं होती है, ठीक है। जो आपके नाइट बर्ड्स होते हैं वो भी अच्छे से देख सकते हैं नाइट में, लेकिन दिन में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जो आपका आउल होता है उसका भी एक लार्ज कॉर्निया होता है और एक लार्ज पुपिल होता है ताकि मोर लाइट क्या कर सके आईज के अंदर एंटर कर सके, ठीक है। जो आपके नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं उनमें भी लार्ज नंबर ऑफ रोड्स और कुछ कॉर्न्स होते हैं, जबकि जो आपके डाइयूर्नल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कॉर्न्स ज्यादा और रोड्स कम होती है, ठीक है। तो ये आपका किसके बारे में था, आईज ऑफ अदर एनिमल्स के बारे में। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, पहले अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नो मैम। ये जो बीच बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आप खुद करके देखना बेटा, जैसे ये वाले क्वेश्चंस है ना आपके पांचों, ये अपने आप से एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। आप लेसन पढ़ रहे हो तो आपको आने चाहिए, ठीक है। यस मैम। चलो कौन अनम्यूट करेगा, निखिल। निखिल अनम्यूट करो अपने आप को। निखिल अनम्यूट करो अपने आप को। निखिल बेटा निखिल अनम्यूट करिए अपने आप को। निखिल नेहा नेहा यादव नेहा अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। नेहा अनम्यूट करिए। अजय यादव अजय अजय अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। अजय अनम्यूट करो। अजय निखिल नेहा अनम्यूट करो। ईगल की आई के बारे में बताओ। निखिल नेहा
क्या बात है बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को जल्दी। देखो ईगल की जो आईज होती है वो कैसी होती है, हमारी 40 टाइम्स बड़ी होती है। ठीक है, ईगल की आई कैसी होती है, 40 टाइम्स बड़ी होती है किससे, ह्यूमन की आईज से। ठीक है, इसकी जो एबिलिटी होती है वो ये होती है कि दूर की ऑब्जेक्ट्स को 2 गुना या 3.5 गुना ज्यादा अच्छे से देख पाती है ह्यूमन बींग्स से। ठीक है, जो हमारा फाल्कन होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो वो भी क्या कर सकता है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को देख सकता है 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से। ठीक है, वो भी क्या कर सकता है, 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा हमारे पास है विजुअली चैलेंज्ड पर्संस। ठीक है, जो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, कुछ पर्संस जैसे हमारे चिल्ड्रंस हैं उनके पास सेंस ऑफ विजन नहीं होता जन्म से। ठीक है, जबकि कुछ जो है अपनी आई साइट देखने की शक्ति को खत्म कर देते हैं, या तो कोई डिजीज हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और रीजन होता है। ठीक है, तो जो इस तरह के पर्संस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके विजुअली चैलेंज्ड पर्संस कहलाते हैं। ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, विजुअली चैलेंज्ड पर्संस कहलाते हैं। ठीक है, क्या बता रही हूँ इसके अंदर मैं आपको, इन सच पर्संस अदर सेंसेस डेवलप मोर एंड मोर शार्प। ठीक है, इन लोगों के अंदर जो आपकी सेंसेस होती हैं वो और भी ज्यादा शार्प क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंस्टेड ऑफ सीइंग दे फील द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, देखने की बजाय वो क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, वो वर्ल्ड को फील करते हैं किसके तरफ, उनके चारों तरफ। ठीक है, कैसे, बाय टचिंग स्मेलिंग और हियरिंग द साउंड्स। वो ये बात जो आवाज होती है उसे या तो वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या वो स्मेल करके या फिर टच करके क्या कर सकते हैं, जो वर्ल्ड है उसे, संसार को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज फर्दर। और कुछ एडिशनल रिसोर्सेज इनेबल करते हैं उन्हें कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को फर्दर क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, वो अपनी कैपेबिलिटीज को फर्दर क्या कर सके, डेवलप कर सके। रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकल एड्स एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका ऑप्टिकल एड्स क्या होता है, वो हमारी हेल्प करते हैं डिफेक्टिव विजन को इम्प्रूव करने में। ठीक है, लेकिन विजन नहीं लाते एक ब्लाइंड पर्सन में, ऐसा नहीं होता कि हमारे अंधा कोई अगर जैसे कोई इंसान है तो उसको वो देखने की क्षमता दे दें। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसके अंदर हमारे पास बाईफोकल लेंसेज होते हैं। ठीक है, दोनों फोकल लेंथ की लेंसेज होते हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं, टिंटेड लेंसेज होते हैं, मैग्नीफायर्स होते हैं और टेलीस्कोपिक एड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे नॉन ऑप्टिकल एड्स। नॉन ऑप्टिकल एड्स के अंदर क्या होता है हमारा, ये हेल्प करते हैं विजुअली चैलेंज पर्सन की रीडिंग में, राइटिंग में, नोट्स को नोट्स लेने में, लर्निंग में। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ऑडिटरी एड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ऑडिटरी एड्स होते हैं और टैक्टाइल एड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे ऑडिटरी एड्स होते हैं और टैक्टाइल एड्स होते हैं। ऑडिटरी एड्स के अंदर आपके ऑडियो सीडीज आते हैं, आपके कैलकुलेटर्स आते हैं, आपके वॉइस बॉक्सेस आते हैं जो किससे अटैच्ड होते हैं, कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं, डिक्टाफोन्स आते हैं। ठीक है, जो आपके नॉन ऑप्टिकल एड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं विजुअली चैलेंज पर्संस की लिखने में, पढ़ने में, नोट्स में, लर्निंग में। और ये आपके क्या होते हैं, ऑडिटरी एड्स होते हैं और कैसे एड्स होते हैं, टैक्टाइल एड्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी ऑडिटरी एड्स होते हैं उनके अंदर आपकी ऑडियो सीडीज आती हैं, कैलकुलेटर्स आते हैं, वॉइस बॉक्सेस आते हैं जो किससे अटैच्ड होते हैं, कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जो किससे अटैच्ड होते हैं, आपके कंप्यूटर से अटैच होते हैं, डिक्टाफोन से अटैच होते हैं। ठीक है, जो आपके टैक्टाइल एड्स होते हैं उनके अंदर आपके रेज्ड मतलब
ठीक है। तो ये आपका देखो विजुअली चैलेंज पर्संस के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए, उनके दो रिसोर्सेज होते हैं, एक ऑप्टिकल एड्स और एक नॉन ऑप्टिकल एड्स। ठीक है, वो सुन के पढ़ सकते हैं, ठीक है, बात करने वाले कैलकुलेटर्स आते हैं उससे काम करते हैं, वॉइस बॉक्स से काम करते हैं, जो किससे अटैच होते हैं, कंप्यूटर से या डिक्टाफोन वगैरह से। ठीक है, आपके टेक्टाइल एड्स आते हैं जिनके अंदर आपकी रेज ड्राइंग्स आती हैं, ब्रेल बेस्ड टाइपराइटर्स आते हैं, बुक्स आती हैं, कंप्यूटर्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ब्रेल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सारा क्या आ गया बेटा, विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए आपका आ गया। ठीक है, ये आपका किसके लिए आ गया है, विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए आ गया। ठीक है, तो कहा हम ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हमारा। ठीक है, और देखो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं बीच में, ये पांच क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आपके। ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर अभी तक ये पांच ही है। ठीक है, तो ये पांच क्वेश्चंस आपको अपनी रफ नोटबुक के अंदर करने हैं। ठीक है, मायोपिया क्या है, कौन सा लेंस यूज करोगे, क्या फंक्शन है कॉर्निया का, आई का कौन सा पार्ट कलर देता है आईज को, क्या अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है जिसपे बुक को रखना चाहिए, और लॉन्ग साइटेडनेस क्या है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। नो मैम। चलिए फिर ये क्वेश्चंस आप करके रखना अपनी रफ नोटबुक के अंदर। ठीक है, बाकी हमारा ब्रेल सिस्टम क्या है, किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो देख सकते हैं, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।